समुद्र के अथाह पानी में आग की उठती बड़ी बड़ी लपटें। ये खौफनाक मंजर मैक्सिको की खाड़ी का है। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में अचानक काफी तेल का रिसाव होने लगा और फिर उसके बाद उसमें आग लग गई। देखते ही देखते समुद्र के बीचों बीच आग ने भयानक विकराल रूप धारण कर लिया। समुद्र के बीचों बीच दहकती आग की बड़ी बड़ी लपटें देख लोग सहम गए। लोगों में डर इसलिए भी था क्योंकि पास में ही तेल निकालने वाली मशीन भी लगी हुई थी और अगर इसमें आग लग जाती तो इस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता। फिलहाल मैक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स ने कहा है कि समुद्र में लगी आग को बुझा दिया गया है। कंपनी ने आग लगने की वजह पानी के नीचे की पाइपलाइन से गैस रिसाव को बताया है। समुद्र में आग लगने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चमकदार नारंगी रंग की आग की लपटें किसी बहते हुए लावा की तरह समुद्र की सतह से ऊपर उठ रही हैं। लोगों ने इसे आग की आंख का नाम दिया है। इसे ये नाम लपटों के गोलाकार होने की वजह से दिया गया है। ये आग शुक्रवार को पेमेक्स ऑयल प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर लगी थी। पेमेक्स ने बताया है कि इस आग को बुझाने में 5 घंटे से अधिक का वक्त लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की ये घटना अंडर वाटर पाइपलाइन में हुई थी और ये पाइपलाइन एक ऑयल रिंग को कनेक्ट करती है जहां से समुद्र के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है। पेमेक्स ने कहा है कि कंपनी आग लगने के कारणों की जांच करेगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस परियोजना के अंदर तेल पाइपलाइन में आग लगी हुई थी वो परियोजना मैक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स की है और ये मैक्सिको के लिए बेहद महत्वपूर्ण तेल परियोजना है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और गैस लीक होने से प्रोजेक्ट के जरिए होने वाला प्रोडक्शन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेमेक्स की कई परियोजनाओं में भयानक आग लग चुकी है। बहरहाल आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।